तो आज हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर हाउस के लोकेशन को करने वाले हैं एक्सचेंज। हम लोग ओल्ड हाउस की जगह न्यू हाउस को और न्यू हाउस की जगह ओल्ड हाउस को रखने वाले हैं। और आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि अपना ओल्ड वाला हाउस न्यू वाले हाउस के लोकेशन पर काफी ज्यादा ओसम लग रहा है। लेकिन यार हम लोग को हाउस के लोकेशन चेंज करने के लिए इस NPC की जरूरत पड़ेगी जिसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी है। और राइट दोस्तों, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज हम लोग ओल्ड हाउस और न्यू वाले हाउस के लोकेशन को चेंज करने वाले हैं। लेकिन यार उसके लिए हम लोगों को दोनों का साइज चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों का साइज एक जैसा है ना तो हम लोग आराम से दोनों की लोकेशन चेंज कर पाएंगे। तो अपने न्यू वाले हाउस का साइज मैंने ले लिया है, अभी चलते हैं अपने ओल्ड वाले हाउस में उसका साइज देखने के लिए। एंड दोनों का साइज सेम होने पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एंड प्रॉपरली भाई हम दोनों की लोकेशन को चेंज कर देंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने बाइक को पकड़ते हैं एंड चलते हैं अपने ओल्ड वाले हाउस में। तो जब तक हम लोग ओल्ड वाले हाउस में जा रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो में काफी मजा आने वाला है। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ओल्ड वाले हाउस में। तो उतरते जल्दी से बाइक से एंड अपने ओल्ड वाले हाउस का भी माप ले लेते हैं, यानी कि उसका साइज चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा हम लोग अंदर जाएंगे, इसका स्विमिंग पूल वगैरह हम लोग चेक करेंगे। तो देखो मैंने दोनों हाउस को देख लिया है और जहां तक मुझे लगता है दोनों हाउस की लोकेशन लगभग सेम ही है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वो चलेगा। थोड़ा साइज अगर कम ज्यादा हो गया ना तो भाई हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी ना चलते हम लोग जल्दी से बाहर। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे दोनों हाउस की लोकेशन को चेंज, लेकिन उसके लिए हम लोग को ना मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। इफ यू कंप्लीट दिस मिशन व्हेन यू चेंज द लोकेशन, हम लोग ना राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो अपना गेम पूरा का पूरा अटक चुका है। और ये क्या हो गया भाई, हमारे सामने तो एक रैंप आ गया। ओके गाइस, मैं समझ चुका हूं भाई, वहां पर लिखा था भाई अपने मोबाइल में कि सबसे पहले हम लोग को इस मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी हम लोग हाउस के लोकेशन को चेंज कर पाएंगे। तो जो मिशन इन लोगों ने मुझे दिया है वो काफी ज्यादा इजी है मेरे लिए, मैंने इसको 3-4 बार कंप्लीट भी किया है। तो इस बार भी हम लोग इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। बस 5 मिनट में हम लोग इस वाले रैंप को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपनी हाउस की लोकेशन चेंज हो ही जाएगी। तो हम लोग को ना भाई बड़ी हाइट वाले NPC यानी कि जाइंट NPC को भी मिलने जाना है। तो चलते हैं भाई जल्दी से अपने रैंप को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग NPC को भी मिलने जाएंगे एंड फिर अपनी हाउस की लोकेशन हो जाएगी चेंज। तो बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी करो। ओके, हम लोग पहुंच चुके हैं थोड़ी दूर, मतलब हम लोग लगभग आधी दूर तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं भाई। हम लोग आराम से इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ये काफी हार्ड तो नहीं है, मेरे लिए तो काफी इजी है। बस नीचे नहीं गिरना चाहिए। नहीं 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 भाई, बच गए भाई, मुझे लगा हम लोग नीचे गिर जाएंगे लेकिन बच गए। ओके भाई, थोड़ा आगे चलते हैं। बस यहाँ से ना हम लोग को गिरना नहीं चाहिए, अगर थोड़ा सा गलती होगी ना तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे। तो आराम से धीरे धीरे चलते हैं भाई, बस हम लोग गिरेंगे नहीं, मुझे लगता है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि मैंने पहले भी इसको 2-3 बार कंप्लीट किया था। ओके, यहाँ से हम लोग को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा खुलने देते। ओके, ये खुल चुका है दरवाजा एंड हम लोग भाई चले गए, मतलब आराम से निकल चुके हैं। यहाँ से भी हम लोग को जंप मारना पड़ेगी इस वाले रैंप से। ओके, यहाँ से भी मैंने एकदम आराम से प्रॉपरली जंप कर ली है। ओके, सामने वाले कंटेनर को थोड़ा सा हम लोग को सीधा होने देना पड़ेगा और ये भी सीधा होने के बाद हम लोग यहाँ से भी निकल चुके हैं। बस यहाँ से हम लोग को थोड़ा जंप मारना पड़ेगा और मैंने भाई एकदम आराम से जंप मार ली है। ओके, तो अभी तो मुझे काफी दूर तक कोई भी कंटेनर तो नहीं दिख रहा है। ओके, आ चुका है कंटेनर यहाँ से भाई, अभी यहाँ से तो हम लोग गिर सकते हैं भाई। नहीं 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 भाई भाई भाई, बच गए। मुझे लगा अबे यार भाई थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती ना तो हम लोग सीधा नीचे गिर जाते भाई। अच्छा ब्रेक लग गई जल्दी से। ओके, यहाँ पर थोड़ा हम लोगों को कंटेनर को सीधा होना देना पड़ेगा। ओके भाई, जल्दी जल्दी सीधा हो जाए यार, काफ़ी टाइम लेता है ये कंटेनर। ओके, ये हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है और कंटेनर सीधा हो चुका है और हम लोग भी यहाँ से भाई आराम से निकल चुके हैं। बस भाई यहाँ से हम लोग को थोड़ा अच्छे से जंप मारनी पड़ेगी भाई, आगे कोई कंटेनर नहीं होना चाहिए बस। ओके भाई, आगे एक कंटेनर है गोल गोल घूमने वाला। ओके गाइस, यहाँ से मैं गिर सकता था, मतलब इसके पहले जब मैंने कंप्लीट किया था ना इस वाले रैंप को तब मैं यहाँ से गिरा था। तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा, इस कंटेनर को हम लोग थोड़ा सा मतलब मूव कर देते, मतलब घूमने देते गोल गोल। ओके, यहाँ से हम लोग भाई फाइनली बाहर निकल चुके। यहाँ से भाई थोड़ा सा मतलब मुझे हार्ड लगता है, बाकी मैं आराम से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके गाइस, अभी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने हेलमेट भी पहन लिया है और यहाँ पर हम लोग भाई पहले स्टेप पर आ चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग को थोड़ा सामने जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ना भाई एकदम मतलब गोल गोल जैसा कुछ तो लगा था, ये मैंने पहले भी देखा था, तो इसीलिए यहाँ पर आके भाई मैंने हेलमेट को उतार दिया। अभी चलते जल्दी से हम लोग बाइक के पास एंड बाइक से हम लोग सामने वाला रैंप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, जल्दी से बाइक में बैठ चुके हैं हम लोग, अभी चलते हैं भाई जल्दी से सामने सीधा सीधा। ये देखो यहाँ पर भी रास्ता बना है। ओके ओके भाई, सामने एक पेड़ भी लगा है भाई, यहाँ पर कैसे पेड़ हो सकता है भाई हवे में। ओके, अब भी यार क्या ही लॉन्ग जंप मारी हम लोगों ने, धीरे स्पीड मतलब हम लोग थोड़ा कम कर लेते, अगर गलती होगी ना तो भाई हम लोग नीचे गिर जाएंगे और दोबारा से कम्प्लीट करना पड़ेगा, इसलिए भाई थोड़ा धीरे धीरे ही जाते हैं। ओके ओके, हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कंटेनर नहीं है लेकिन यहाँ पर ना टर्न करना पड़ेगा काफ़ी भाई, थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पर। ओके भाई, टर्न वर्न तो हम लोग एकदम आराम से कर लेंगे। ओके, यहाँ पर भी हम लोग पहुँच चुके हैं, बस यहाँ पर गिरना नहीं चाहिए भाई, अभी गिरते गिरते बचे। ओके, यहाँ से हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं।
और ये मैंने जंपर ही, लेकिन नहीं, फ्रैंकलिन भाई नीचे गिर चुका है। अबे यार भाई ये नीचे क्यों गिर गया? अबे यार नीचे गिर के भी नीचे गिर गया भाई। यार अभी इस वाले रैम को मुझे दोबारा से कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन कोई लोग कोई बात नहीं, ये बाइक ना मुझे जमती नहीं है, इसलिए हम लोग ना ZX10R को स्पॉन कर लेते हैं। तो 400 डायल करने से अपनी ZX10R आ जाएगी। अभी इस वाले बाइक से हम लोग रैम को कंप्लीट करेंगे दोबारा से। चलो कोई बात नहीं, तो दोबारा से हम लोग रैम को अपडेट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो जहाँ पर मैं गिरा वहाँ पर फिर से मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से अभी हम लोग ना थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, अभी हम लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे, नहीं तो भाई फिर से मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा बिन फालतू में दोबारा से। ओके, यहाँ से हम लोग ना थोड़ा आराम आराम से जाएंगे। हम लोग पहुँच गए यार, हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया ये देखो। और राइट गाइस, फाइनली हम लोगों ने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग करेंगे भाई अपने हाउस की लोकेशन को चेक। और राइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, ये देख सकते हैं भाई हम लोग इस वाले हाउस में पहुंच चुके। ओके भाई, सबसे पहले ना हम लोग इस वाले हाउस के अंदर जाने की कोशिश करते, हो सकता है भाई हम लोग इस वाले हाउस के अंदर जा पाए, लेकिन यहाँ पर तो दरवाजा बंद ही है भाई, हम लोग अंदर कैसे जाए? एक काम करते, थोड़ा सामने चलते। ओके, इस वाले दरवाजे के सामने ना हम लोग जंप मार के देखते, हो सकता है हम लोग अंदर जा सके। और मैंने जंप मारी और हम लोग तो ऊपर आ गए, लेकिन एक सेकेंड यार ऊपर से देखो क्या ही खतरनाक व्यू लगता है भाई। पीछे का व्यू देखो, पीछे का भाई, कैमरा एंगल चेंज करते एक बार, देखते कैसा व्यू आता है। और ये मैंने कैमरा एंगल चेंज किया, ओह भाई क्या ही खतरनाक व्यू लग रहा है यहाँ से। देखो भाई ऐसा लग रहा है कि नीचे गिर गए ना तो भाई बचेंगे ही नहीं भाई, काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ओके, मिशन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अभी ना हम लोग को ना जायंट एनपीसी यानी कि लंबे हाइट वाले एनपीसी को जाकर मिलना है, तो चलते हैं जल्दी से भाई। लेकिन ये क्या हो गया? अबे यार ये फ्रैंकलिन कुछ ना कुछ करता ही रहता है भाई, गलतियाँ। चलो हम लोग अभी जाते हैं भाई एनपीसी को मिलने, वो लंबे हाइट वाले, उससे मिलकर ना हम लोग भाई उसकी मदद से हम लोग अपने हाउस के लोकेशन को चेंज करेंगे। वो धक्का मारेगा अपने हाउस को एंड अपने हाउस भाई सीधा सीधा मतलब रेंगते रेंगते जाएगा अपने ओल्ड वाले हाउस के पास। ओके, वो देखो सामने भाई अपना एक एनपीसी है लंबे हाइट वाला, जो कि मुझे मिल चुका है, यहाँ पर वो मिलने वाला था। ओके ओके भाई, चलते जल्दी से उसके पास एंड उसको हम लोग पूछेंगे कि भाई हम लोग को मतलब उसको पैसा वैसा देना पड़ेगा थोड़ा सा। इससे मैंने बात कर ली है, इससे बात मतलब बात करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने पैसा भी दे दिया है। पैसा देने के बाद भाई ये मान चुका है कि भाई अपने हाउस की लोकेशन चेंज करने के लिए हमारी मदद करेगा। तो इससे मैंने सारी की सारी बातें कर ली है। ये देखो भाई फ्रैंकलिन के मुकाबले में ये कितना ज़्यादा बड़ा है। देखो फ्रैंकलिन 6 फुट का है, तो भाई ये 12 फुट का हो सकता है। तो इससे बात हो चुकी है भाई, ये भी अपने घर आ रहा है अपने पीछे पीछे। चलते हैं भाई इसको भी लेकर अपने घर जल्दी से एंड अपने हाउस के लोकेशन को करते हैं चेंज। सारी की सारी बातें हो चुकी है, वैसे भी इसको मैंने दे दी है, ये मान गया है। चलते भाई इसको लेकर अभी जल्दी से भाई, ये काफ़ी टाइम पास कर रहा है। ओके अभी चलते हैं भाई, ये देख सकते हो भाई ये अपना पीछे पीछे आ रहा है, फ्रैंकलिन भी इसके पीछे पीछे जा रहा है, मतलब इसको भी अपना घर के लोकेशन पता है। तो चलते हैं यार जल्दी से इसको लेकर, इसको भी अपना घर का लोकेशन पता है भाई, अभी हम लोग घर पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में। और राइट गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं भाई अपने घर में, ये देख सकते हो भाई अपना घर का जो सामान है वो सबसे पहले हम लोग खाली कर लेते हैं एंड उसके बाद जो अपना स्विमिंग पूल का वाटर है ना भाई, उसको भी हम लोग थोड़ा सा मतलब खाली कर लेंगे पंप की मदद से, मतलब मोटर की मदद से। तो जल्दी से अपने स्विमिंग पूल का पानी कम कर लेते चलते, ताकि इसको हम लोग उठा के वहाँ पर ले सके, मतलब ले जा सकते हैं। तो ये पानी हम लोगों ने कम कर लिया जल्दी से। अभी हाउस का मतलब सामान भी निकाल दिया है, ये देख सकते हो भाई। इसको भी हम लोग ना मतलब एनपीसी धक्का मार रहा है और हम लोग इसको ले जा सक रहे हैं भाई एकदम आराम से। ऐसा लग रहा है कि भाई इसको हम लोगों ने ना टायर लगा दिए। ओके, हम लोग भाई पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर हम लोगों ने आधी दूर इसको ले चुके हैं, मतलब थोड़ा रोटेट करके। ओके ओके ओके, बस हम लोग पहुँच ही चुके हैं। ये देखो भाई मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, अभी ना भाई इस वाले हाउस की लोकेशन को मतलब यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं एंड यहाँ से हम लोग ना इसे सीधा हम लोग अपने न्यू वाले हाउस की लोकेशन पर ले जाते हैं, वहाँ जाकर हम लोग इसको रख देंगे। चलो भाई जल्दी जल्दी ले जाते हैं, इसको थोड़ा रोटेट कर दिया मैंने, अभी ले जाते हैं भाई जल्दी से इसको यहाँ से। ओके, आधी दूर हम लोग आ चुके हैं, बस आधा रह चुका है। और यहाँ पर देखो हम लोगों ने थोड़ा इसको हाइट को मतलब ऊपर कर दिया है एंड यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा हम लोग अगर रह चुका है। और ये देखो यहाँ पर भाई फाइनली अपना न्यू हाउस की जगह ओल्ड हाउस को भाई हम लोगों ने यहाँ पर फाइनली सेट कर लिया है, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा ओसम लग रहा है अपना वाला मतलब ओल्ड वाला हाउस यहाँ पर न्यू वाले लोकेशन पर। अभी चलते भाई हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर, चलते अंदर जाकर देखते हम लोग क्या कुछ हुई इसके, मतलब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने सामान नहीं रखा है। सामान हम लोगों ने दोनों हाउस का एक जगह पर रखा है, मतलब बाजू वाले अपने हाउस में। तो ये देख सको भाई मतलब अंदर से क्या फिर काई खतरनाक लग रहा है, एकदम खतरनाक लग रहा है अंदर से, एक देख सकते हो भाई। यार यहाँ पर अपना सामान नहीं है, सामान होता ना तो और अच्छा दिखता, सामान भी हम लोग यहाँ पर अपना रख देंगे। तो देख लिया हम लोगों ने ये वाला हाउस, देख सकते हो इसकी बालकनी भी काफ़ी ज़्यादा एकदम आराम से मतलब एकदम सही लग रही है। तो अभी ना हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं एंड अपना जो मतलब न्यू वाला जो हाउस है जो कि अपने ओल्ड वाले लोकेशन पर रखा था
उसको भाई हम लोग जाकर देखते जल्दी से। तो आ चुके हैं हम लोग भाई अपने वाले न्यू हाउस को, ओल्ड वाले लोकेशन पर पहुंचा चुके हैं। और यहाँ पर इसका साइज मैंने थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था। तो अभी ना इसके अंदर जाकर हम लोग देखते, ये देख सकते हो मैंने स्विमिंग पूल में पानी भी भर दिया है। अंदर से इसका सामान पूरा का पूरा खाली है, यहाँ पर सीढ़ी भी नहीं है। सीढ़ी भी मैंने निकाल दी थी ताकि भाई ज़्यादा वजन ना हो। और ये देख सकते हो भाई यहाँ का पूरा सामान भी हम लोगों ने निकाल दिया है, ये देखो। और यहाँ पर स्विमिंग पूल में हम लोगों ने पानी भी भर दिया है भाई साहब, इतनी जल्दी पानी भी भर दिया। अभी हम लोग रहेंगे यहीं पर, क्योंकि वहाँ पर अभी नहीं रहेंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। और यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना गाइस, तो जल्दी से ना इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ऐसी वीडियो और देखने के लिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से बता देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।